अक्वामे मुत्तहदा की जनरल असेंबली के सदर वॉल्कन बॉस्कर का कहना है कि फलस्तीन पर बेअमली अक्वामे मुत्तहदा और सिक्योरिटी काउंसिल की साख को नुकसान पहुंचा रही है। इस्लामाबाद में नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी से खिताब करते हुए अक्वामे मुत्तहदा की जनरल असेंबली के सदर वॉल्कन बॉस्कर ने कहा कि कोरोना वैक्सीन अमीर और गरीब ममालिक की यकसा जरूरत है। कोरोना के सद्देबाप के लिए पाकिस्तान ने जो किया इस पर खराज तहसीन पेश करता हूँ। पाकिस्तानी हुकूमत के इकदाम के हौसला अफजा नतज आ रहे हैं। फलस्तीन का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि अक्वामे मुत्तहदा जनरल असेंबली ने पिछले हफ्ते फलस्तीन की सूरत हाल पर मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग का मकसद था कि सिक्योरिटी काउंसिल की खामोशी और डेडलॉक का अजाला किया जा सके। वॉल्कन बॉस्कर का कहना था कि इंसानी हकूक की खुली खिलाफ वर्जी में सैकड़ों फलस्तीनियों की जाने चली गयी। पाकिस्तानी वजीर खारजा ने फलस्तीनियों के हकूक के लिए मजबूत मौकफ और हिमायत का इजहार किया। इस वक्त मुज़ाकरात की फौरी जरूरत है ताकि इसराइल के कब्जे को खत्म किया जा सके। दो खुद मुख्तार रियासतों का कयाम अमल में लाने के लिए मुज़ाकरात की फौरी जरूरत है। मशरिक़ वुस्ता में अमन की बहाली तक यूएन जनरल असेंबली आराम से नहीं बैठेगी। उन्होंने मजीद कहा कि मुझे जम्मू कश्मीर की सूरत हाल का भी बाखूबी इल्म है। एक आम पाकिस्तानी कश्मीर के हवाले से क्या महसूस करता होगा। मैंने हमेशा फरकीन पर जोर दिया कि जमीनी हकायक को तब्दील ना किया जाए। हमेशा कहा कि मुतनाज़ा इलाकों की हैसियत को बदलने से गुरेज किया जाए। तनाज़ा कश्मीर भी उतना ही पुराना है जितना कि मसला फलस्तीन है। बतौर सदर जनरल असम्बली मैं इंडिया और पाकिस्तान पर जोर देता हूँ कि इस मसले के पुरअमन हल के रास्ते पर चलें, क्योंकि जनूबी एशिया में अमनो इस्तेकाम और खुशहाली का दारोमदार पाक भारत ताल्लुकात की बहाली पर है। इसलिए जनूबी एशिया में अमन और इस्तेकाम के लिए जरूरी है कि तनाज़े कश्मीर का हल निकालने की कोशिश की जाए।